बिहार में 21 अक्टूबर को 5 विधानसभा सीटों और समस्तीपुर लोकसभा सीट पर वोट डाले जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने शनिवार को उपचुनाव की घोषणा करते हुए कहा कि बिहार में 1 लोकसभा सीट और 5 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव 21 अक्टूबर को होंगे, साथ ही 24 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी। आपको बता दें कि 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव भी होने हैं। अब ऐसे में ये उपचुनाव आने वाले विधानसभा का ट्रेलर सा होगा, ऐसा माना जा रहा है। महागठबंधन और एनडीए में जारी खटपट के बीच ये चुनाव बहुत अहम होने वाले हैं, क्योंकि उसमें साफ हो जाएगा कि कौन किसके साथ है। अब चूंकि विधानसभा सीटों के लिए भी बाईपोल होना है, सो आगे बिहार की जनता किसे सीएम बनाना पसंद करेगी, इसकी भी झलक दिख जाएगी। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने शनिवार को महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। दोनों राज्यों में एक चरण में 21 अक्टूबर को वोटिंग होगी, नतीजे 24 अक्टूबर को आएंगे। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में होने वाले उपचुनाव की तारीखों की भी घोषणा की गई। बिहार में समस्तीपुर लोकसभा सीट और बिहार विधानसभा की सीट किशनगंज, बेलहर, सिमरी, बख्तियारपुर, नाथनगर और दरौंदा सीट पर उपचुनाव होना है। समस्तीपुर के सांसद रामचंद्र पासवान के निधन के बाद यहां उपचुनाव कराया जाना है, जबकि विधायकों के सांसद बनने के बाद विधानसभा की 5 सीटें खाली हो गई थी, उस पर भी चुनाव होगा। अब चूंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, ऐसे में अब अलग अलग पार्टियों की तरफ से सीटों पर अपनी दावेदारी भी सामने आ रही है। महागठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद के नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि 5 विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। उनमें से 4 जगह पर राजद के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर थे। ऐसे में 4 सीट पर दावा बनता है, लेकिन महागठबंधन में होने की वजह से महागठबंधन के सभी नेता मिल बैठकर सीटों का बंटवारा करेंगे। वहीं कांग्रेस ने 2 सीटों पर दावा किया है। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा है कि किशनगंज विधानसभा और समस्तीपुर लोकसभा सीट उनकी परंपरागत सीट है। शेष सीटों पर महागठबंधन की ओर से जीतने वाले उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाए, ऐसी कोशिश रहेगी। इन 2 पार्टियों के अलावा महागठबंधन में शामिल 3 और पार्टियों से अब तक दावेदारी की कोई बात सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सुप्रीमो लगातार तेजस्वी पर निशाना साधते रहे, ऐसे में वो क्या फैसला लेंगे ये देखने लायक होगा। इसके अलावा रालोसपा और वीआईपी पार्टी भी चुनाव में कितने सीटों का डिमांड करते हैं, इस पर नजर होगी। इसके अलावा एनडीए के घटक और रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा ने समस्तीपुर सीट पर अपनी दावेदारी पेश की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि समस्तीपुर लोकसभा सीट मेरे छोटे भाई रामचंद्र पासवान के निधन से खाली हुई है। अब इस सीट से रामचंद्र पासवान के छोटे बेटे प्रिंस राज पिछले 1 महीने से घूम रहे हैं। हालांकि पारस ने कहा है कि इस सीट पर फैसला बीजेपी, जदयू और एलजेपी के नेताओं की बैठक में लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम सहयोगी दलों से आग्रह करेंगे कि ये सीट एलजेपी को मिले। उन्होंने भरोसा जताया है कि इस लोकसभा सीट में प्रिंस राज को चुनाव लड़ने से सहानुभूति वोट मिलेगा और वो वहां से रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। हालांकि उपचुनाव को लेकर अब तक बीजेपी और जदयू की तरफ से कोई अपनी बात रखने नहीं आया है। हालांकि उपचुनाव के दौरान ये भी पता चल जाएगा कि आने वाले विधानसभा को लेकर किस पार्टी का क्या स्टैंड रहने वाला है। बिहार में कांग्रेस एक तरफ जहां महागठबंधन में पिछलग्गू बनना नहीं चाहती है, वहीं आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में रहने के लिए पुरजोर कोशिश करेगा। अब ऐसे में टकराव की स्थिति तो लगभग तय मानी जा रही है। वहीं बीजेपी के कई बड़े नेता एनडीए में जदयू के पिछलग्गू बनना नहीं चाहते हैं, लेकिन जदयू बड़े भाई की भूमिका में ही रहना चाहता है। ऐसे में दोनों गठबंधनों में समीकरण के लिहाज से उपचुनाव भी देखने लायक होगा। हैराने वाले उपचुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द जेड प्लस को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें। शुक्रिया।